एसडू का जो मैंडेट है रीचिंग टू डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब घर घर इग्नू हर घर इग्नू, रीचिंग टू अनरीच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जहां पे कोई भी विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाया है वहां इग्नू पहुंचता है। तो इसी उद्देश्य को साथ में रख करके हम लोगों ने एसिड अटैक विक्टिम्स जो शिरोज हैंगआउट है गोमती नगर लखनऊ में, वहां पे हम लोग गए। वहां पे हम लोगों ने देखा कि कुछ बहुत सारी बच्चियां हैं जो वहां काम कर रही हैं, क्योंकि वह फूड आउटलेट में काम कर रही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि इनको सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कराया जाए, जो इनके वर्क में भी और ये जो काम कर रही हैं उसमें इसकी यूटिलिटी रहे। एक इग्नू का कंसेप्ट है मोबाइल स्टडी सेंटर। मोबाइल स्टडी सेंटर मीन्स कि जहां यहां पे बच्चियां रहेंगी शीरोज हैंगआउट में, और यहां से हम अपने टीचर्स ले जाएंगे, जो इनका फ्री टाइम होगा उसमें अपने टीचर्स से इनकी क्लासेस कराएंगे। क्लासेस इग्नू में जो सिस्टम है काउंसलिंग है कि ये पढ़ेंगी, पढ़ने के बाद अपनी जो इनकी जिज्ञासाएं हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन एक तरह से होगा, इनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, और एग्जामिनेशन इनको हमारे अध्ययन केंद्र पे देना पड़ेगा। तो हमारे दो अध्ययन केंद्र पे एग्जाम इस समय होते हैं, एक केकेसी में होता है, एक लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में एग्जाम होता है, वहां जाके इनको एग्जाम देना पड़ेगा। और इनकी क्लासेस हम लोगों ने सोचा है अपना ज्ञानवाणी के माध्यम से भी इनकी क्लासेस हम लोग करवाएंगे। हमारे रिसोर्स पर्सन ज्ञानवाणी स्टूडियो पे रहेंगे, इनके पास एक टेलीफोन लाइन रहेगी, आजकल मोबाइल जैसे सबके पास है, और उसके बाद रेडियो रहेगा। ये अपने मोबाइल के माध्यम से ज्ञानवाणी स्टूडियो में जो हमारे रिसोर्स पर्सन रहेंगे उनसे प्रश्न पूछ सकती हैं, और हमारे रिसोर्स पर्सन इनके प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी तो ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर हमें सक्सेस मिलती है तो इस कार्यक्रम को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे और अन्य कार्यक्रम भी इन लोगों को करवाएंगे।